परियों, परीलोक के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी है। ऐसा लगता है जैसे परीलोक को किसी की नजर लग गई। रानी परी, तेरी परी, तेरी परी, क्या रात परी, ये चोटें कैसी लगी? हाँ परियों, आप इतनी घबराई हुई क्यों? आखिर हुआ क्या है? बोलिए ना रानी परी। ये सब भयंकर परी और महाभस्म परी की वजह से हुआ है। क्या? हाँ रानी परी, हम दोनों ने बहुत कोशिश की उनका सामना करने की, लेकिन हम उनकी शक्तियों के सामने बेबस थे। हम कुछ नहीं कर पाए। चिंता मत कीजिए परी, परियों ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें किसी भी तरह बुरी परियों को रोकना होगा, वरना वो बुरी परियां परीलोक को भस्म कर देंगी। रानी परी, कहीं ये परीलोक की नियति तो नहीं? क्योंकि हमने जो भविष्य दर्शन यंत्र में देखा था कि परीलोक में आग लग गई है, रानी परी, वो भविष्यवाणी सत्य निकली। ए पुक्की, बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे हम पर? रोहित केवल को इतनी गुदगुदी करना कि हंसते हंसते रोने लगे। रोहित और केवल पुक्की को गुदगुदी करे, लेकिन गुदगुदी का असर मोंटू पर हो। रोहित केवल, पुक्की को छोड़ो और मेहर को पकड़ो, वो हमारी मेन टारगेट है और वो यहाँ है। मेहर, वो पेंसिल मुझे दे दे। हिम्मत है तो खुद ले ले। क्यों, तुम जाके पकड़ो। पानी आपके पास? आपके पास है? नहीं नहीं है। अरे बॉस, चलो क्या, हम यहाँ से भी उसे पकड़ सकते थे। अभी पकड़ो। ये मैरी गो राउंड अपने आप घूमने लगे। परियों, हमें इसी समय बालवीर को परीलोक में बुलाना होगा। नहीं रानी परी, अगर भविष्य दर्शन यंत्र की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई तो? कहीं बालवीर ने आप ही पे वार कर दिया तो? नाराज परी, इस भविष्यवाणी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इन बुरी परियों से निपटने के लिए हमें बालवीर को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। परियों, ये हमारा आदेश, बाल परी आप बालवीर को आवाज दीजिए। बालवीर, 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 बालवीर,
रानी परी, ये परीलोक में अचानक आग कैसे लग गई? बालवीर, परीलोक में बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। क्या? हाँ बालवीर, फिर भूकंप आने लग गया और मोहन टुकी क्या बैंड बजाई बालवीर ने, लेकिन मैंने तो बैंड की आवाज सुनी नहीं। मैं डांस कर लेता था ना टुकी। यार तू भी ना। दोस्तों, ये जो भी हुआ सब बालवीर ने नहीं, इस मैजिक पेंसिल का कमाल है। मैजिकल पेंसिल? ये तो वही पेंसिल है ना महर, जो तुम्हें सुबह मिली थी। हाँ ये वही है, लेकिन इसमें बहुत पावर्स है। और तुम लोग को पता है, इससे मैं जो भी लिखती हूँ वो हो जाता है। वाओ, इसका मतलब तुम लोग ने ये सब चीजें इस मैजिकल पेंसिल की पावर से की है ना? हाँ। हा? तुम वापस पार्टी कर रहे हैं? हाँ। हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी मोंटू की बैंड बजाने की खुशी में हम थोड़ा डांस और थोड़ा धमाल करते हैं। मैं एक म्यूजिक सिस्टम मंगवा। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम आ जाए। देखा, इस जादुई पेंसिल के मदद से महर ने कैसे हमारी बैंड बजाई। अब देख महर, ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कैसे तुझसे ये पेंसिल छीनता है। वो देखो महाभस्म परी, परियों की सेना आ रही है और वो परीलोक को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपनी पूरी शक्तियां केंद्रित करके इन्हें युद्ध में व्यस्त कर देंगे। और धीरे धीरे परीलोक अपने आप सूरज से टकरा जाएगा, क्योंकि उसने सूरज का मान पकड़ लिया है। बालवीर, इससे पहले परीलोक सूरज के बहुत पास पहुंचे, हमें इन बुरी शक्तियों को हराना होगा। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, आज परीलोक के बारे में बुरा सोचने वालों का अंत खुद बालवीर के हाथों से होगा। बालवीर, वहीं खड़े खड़े अपने परीलोक को समाप्त होते देखोगे या कुछ करोगे भी? करूंगा भयंकर परी, आज तुम्हारी बुराई का अंत करूंगा। आज ऐसा नहीं होगा बालवीर, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूं। आज बुराई का साथ देने वाली हर परी मेरे साथ यहां होगी। आज बुराई का हर साथी जो तुम्हारा साथ देगा, उसका भी अंत तुम्हारे साथ ही होगा। बस बातें नहीं, युद्ध करो बालवीर। अपने वार के लिए तैयार है।
इन्हें क्या लगता है माँ भस्म परी कि ये तुम पर वार करके बुराई की शक्तियों को बांट देंगी? नहीं, मैं इनके एक वार का जवाब 100 बारों से दूंगी। छल परी। ये केवल का गायब हो गया। अबे मंटू बॉस, केवल गायब नहीं हुआ है, वो पिज़्ज़ा और बर्गर लेने गया है और उस मेहर के बच्चे ने हमें दौड़ा दौड़ा कर धक्का दिया। तो मुझे भूख लग गई है मंटू बॉस। तो मुझे भी लगी है रोहित। एक काम करते चल, जब तक केवल नहीं आता हम उस बेंच पर आराम कर लेते हैं, है ना? चल। मैं दादाजी हमेशा कहते हैं कि आराम आराम है, फिर भी ये लोग आराम करने जा रहे हैं। शायद से इनके दादाजी ने उन्हें ऐसा नहीं कहा होगा, इसीलिए आराम कर रहे हैं। क्योंकि मानव के कहने का मतलब है कि इन्हें आराम करने नहीं देना है, इनकी तो बैंड बजानी है। हाँ, इनको आराम करना है ना, अभी इनका सब आराम निकालती हूँ। मोंटू और रोहित जैसे ही बेंच पे बैठने लगे, बेंच पीछे सरक जाए। अरे मोंटू बॉस, ये आपने क्या किया? आपने बेंच का धक्का क्यों मारा? मैं गिर गया ना। अरे मैं भी तो नीचे गिरा हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा और तो मुझे भी लगी। चलो चलो वापस बैठते। हाँ मेरी कमर टूट गई। वाह मैन, मजा आ गया, ये मोंटू तो बच्ची की तरह दौड़ रहा है। मोंटू छोटा बच्चा बन जाए। मोंटू बॉस को बच्चा बना दिया। अरे जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, मतलब जो भी हुआ था बच्चा हुआ था, मतलब बॉस आप बच्चे बन गए थे, महर ने आपको बच्चा बना दिया था क्या? हाँ, महर ने बहुत खेल खेल लिया मेरे साथ, अब तो इसे मैं देख लूंगा। छल 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 परी छल परी छल परी। इन परियों की सेना से लड़ने में हमारी मदद कीजिए। Ha ha ha!
बार ज्यादा देर तक अच्छाई को रोक नहीं पाएगा। हाँ परिया, आप सब बार के लिए तैयार रहिए। को छल परी, क्योंकि अब इन परियों को छल नहीं बवंडर परी का बल समाप्त करेगा। बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, परी परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, परी परी। अब आए ना ऊट पहाड़ के नीचे। तुमने मुझे पहाड़ कहा? अरे मैंने मोंटू बस, मैंने तो इन्हें ऊट कहा। तो फिर ठीक है। ए पिद्दी, अब तुम कहाँ बचकर जाओगे? हाँ मैं तेरे ये पिद्दी साथी मेरे कब्जे में है। हाँ मानो माने कि चुपचाप मुझे आकर वो पेंसिल दे दे, नहीं तो इन लोगों की बात लगा दूंगा। मैं, अब हम क्या करेंगे? मैं, आके मुझे वो मैजिकल पेंसिल दे दे, वरना इन पिद्दियों को पीट पीट के चाइनीज के डिश बना दूंगा। ये अच्छा आइडिया है बस। मानव को मंचूरियन बना दो, इसे कुकी को फ्राइड राइस बना दो, और इसे वानी को हक्का नूडल्स बना दो मंटू बस। ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चलो ना बस। हाँ हाँ चल। अबे चुप कर, पहले पेंसिल लेने दे फिर से, बाद में तो हमारी पार्टी पार्टी है। मैं, चुपचाप मुझे आकर वो पेंसिल दे दे, लास्ट बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.